Hello everyone, in this video we are going to map and learn about the various national parks, wildlife sanctuaries and the biosphere reserves of India. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये national parks, wildlife sanctuaries और biosphere reserves क्या हैं। उसके बाद हम इन तीनों के बीच का difference देखेंगे, what is the difference? Then we'll try and map these. And while mapping these biosphere reserves, wildlife sanctuaries and national parks, we'll also look at various important points such as the important species of these areas and their location, etc. और ये सब डिस्कस करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, सच एज व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, व्हाट आर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, व्हाट आर द वेरियस लॉज एंड प्रोग्राम्स गवर्निंग वाइल्ड लाइफ. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. Right, so before we begin understanding what are national parks, biosphere reserves and wildlife sanctuaries, let us quickly understand what is biodiversity first. A biodiversity is basically the number, variety, variability of living organisms. Ab iska matlab kya hai? Agar kisi region mein bahut zyada genetic variation hai, bahut zyada species variation hai, ek ecosystem mein bahut zyada variety agar hame dekhne ko milti hai, to hum kehte hain ki us region mein biodiversity kafi achhi hai, kafi zyada hai. अब ऐसी रिच बायोडायवर्सिटी हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पे आपको बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसके कंजर्वेशन के लिए अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ चुकी है एंड एवरीवन इज कंसर्न टू सेव द बायोडायवर्सिटी ऑफ दीज रीजन्स. इस स्पेसिफिक कंसर्न की वजह से एक टर्म कॉइन की गई जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. Now this term was coined by Norman Myers in 1988. अब आप सोच रहे होंगे ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आखिर हैं क्या? Now hotspot is a biogeographic region with a significant reservoir of biodiversity that is under threat from humans. ऐसे बायोजियोग्राफिक रीजन्स जो कि ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से काफी ज्यादा थ्रेटन्ड हैं, उनको हम बायोजियोग्राफिक हॉटस्पॉट्स बोलते हैं. अब एक बायोजियोग्राफिक रीजन को हॉटस्पॉट बोलने के लिए, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलने के लिए कुछ क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए. ये उन रीजन्स की बात हो रही है जहाँ पे काफ़ी रिच बायोडायवर्सिटी एक टाइम पे रही हो या अभी हो और वो थ्रेटेंड हो. नाउ टू क्वालिफाई एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द नॉर्मन मायर्स लिस्ट, अ रीजन शुड हैव 0.5% और 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स. दूसरा क्राइटेरिया ये है दैट इट शुड हैव लॉस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन. अब क्योंकि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इतनी अवेयरनेस है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है. देयर आर टू बेसिक वेज, द फर्स्ट वन इज इन सीटू एंड द सेकेंड वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन. अब इन सीटू का मतलब ये है कि जो फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट होगी, उसी हैबिटेट में उनको कंजर्व किया जाए विदाउट डिस्प्लेसिंग देम. तो ऐसे एग्जांपल्स क्या होंगे? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फेयर रिजर्व्स. सिमिलरली एक्स सीटू कंजर्वेशन वो होगी जहां पर उन थ्रेटन्ड प्लांट्स और एनिमल्स को अपनी हैबिटेट, अपनी नेचुरल हैबिटेट से उठाकर एक ऐसी रिमोट लोकेशन पे रखा जाए जहां पे उनकी केयर की जा सके. फॉर एग्जांपल जू, जीन बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन्स एटसेट्रा. हमारा कंसर्न यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन को देखने का है. वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फेयर रिजर्व्स, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं, क्या लॉज है जो इनको गवर्न करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इन सभी चीज़ों को अभी हम देखेंगे. अब इन तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज को एक साथ समझने का बेस्ट तरीका ये है कि हम इनकी डेफिनेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट करके समझें, जहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेंगे और इनको साथ साथ इनके डिफरेंसेज भी समझ लेंगे. Now by definition, national parks are those reserved areas which are used for the preservation of the natural habitats and vegetation, wildlife and natural beauty of that region. Now when we talk about a wildlife sanctuary, it is a reserved area for the preservation of endangered species.
सो बेसिकली नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे बेसिकली नेशनल पार्क का जो रीजन है इसे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को कंजर्व करने के लिए रखा गया है, किसी स्पेसिफिक इंडेंजर्ड स्पीचीज की बात नहीं हो रही है। बट वेन वी टॉक अबाउट दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दे आर सेट अप स्पेसिफिकली टू प्रिजर्व एन इंडेंजर्ड स्पीचीज। फिर बारी आती है बायोस्फीयर रिजर्व्स की। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स एक काफी बड़ा मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहां पे अंदर इसके काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं, नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं। ये एक काफी बड़ा एरिया है विच इज स्पेसिफिकली सेट अप टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, एनकरेज रिसर्च इन इकोलॉजी, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग एटसेट्रा। यहाँ पर बहुत सारे काम एक साथ होते हैं। ये किसी एक स्पीचीज के लिए नहीं बनाया जाता है, दिस इज सेटअप फॉर अ होलिस्टिक पर्पज, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है ऑन अ लार्जर स्केल। अब जो नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज हैं, दे आर फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, whereas wildlife sanctuary केस में the boundaries are not fixed। कोई ऐसा legislation नहीं है जो कि boundaries को fix करे। National parks के केस में grazing is prohibited, grazing allowed नहीं है। Wildlife sanctuaries के केस में it is allowed। और biosphere reserves के केस में भी grazing is allowed, लेकिन एक specific zone में, वो हम अभी देखेंगे। Now national parks are not for a single species, whereas wildlife sanctuaries may or may not be for a single species। और बात होती है जब biosphere reserves की, these are not for a single species, हमने discuss किया था, ये काफी multi-purpose protected areas हैं। National parks के cases में जब हमने देखा था कि grazing prohibited है, अगर यहाँ पे कोई human activity करनी होगी तो उसके लिए chief wildlife warden of that state, इनकी permission चाहिए specifically for that activity। अब बारी आती है legislation की। अब पूरी इंडिया में वाइल्ड लाइफ का जो सिनेरियो है फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इट इज गवर्न्ड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। नाउ दिस एक्ट इज वैलिड इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नाउ दिस एक्ट लेड टू 105 नेशनल पार्क्स इन इंडिया अलॉन्ग विद 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब जो नेशनल पार्क्स हैं, दे फॉल अंडर IUCN कैटेगरी 2। जिनको IUCN की फुल फॉर्म नहीं पता है, इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इट वाज बेसिकली फॉर्मड इन 1948। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दे फॉल अंडर IUCN कैटेगरी 4। अब ये जो 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनमें से 50 आर टाइगर रिजर्व्स। अब टाइगर रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, दे कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है कामलांग टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद इस एक्ट के थ्रू काफी और भी प्रोटेक्टेड एरियाज बने हैं, सच एज द रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स अलॉन्ग विद कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स। ये आपको याद रखना है। Now these two types of protected areas were added by an amendment in 2003। अब आप सोच रहे होंगे कि national parks, wildlife sanctuaries, इनको declare कौन करता है? Protected areas are generally declared by the states, लेकिन इनको center भी declare कर सकता है under certain special circumstances। ये आपको याद रखना है। अब आपको basic protected areas पता लग गए हैं। Now you need to understand about the biosphere reserves, what is the theory and characteristics of this particular type of protected area, so we look at the biosphere reserve। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, there are 18 biosphere reserves in India as of today in May 2018, out of which 10 are part of MAB। अब ये MAB क्या है? MAB is known as Man and Biosphere Program। Now this program was started by UNESCO। इस प्रोग्राम के थ्रू यूनेस्को डिफाइन करता है और रिकग्नाइज करता है काफी सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, व्हिच इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग रिलेशंस ऑफ पीपल एंड एनवायरमेंट। सो MAB का बेसिक पर्पज ये है कि लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जाए और उनको मोटिवेट किया जाए टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन।
Now basically UNESCO's MAB recognizes biosphere reserves to promote sustainable development based on local community efforts and science. Now you should must know that what is the structure of biosphere reserves. किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को जनरली तीन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है. द इनर मोस्ट रीजन इज नोन एज द कोर जोन, द मिडल वन इज नोन एज द बफर जोन एंड द आउटर वन इज नोन एज द ट्रांजिशन जोन. अब जो इनर मोस्ट कोर रीजन है, दिस इज अ रीजन विच शुड बी एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड. ये काफी क्रिटिकल और काफी इंपॉर्टेंट रीजन है. यहाँ पे स्पीचीज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. नो ह्यूमन एक्टिविटी इज एंटरटेन. यहाँ पर सभी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज आर बैंड. किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है. यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज अलाउड है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वो रिसर्च एक्टिविटीज किसी भी नेचुरल प्रोसेस या वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें. सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो सेंटर वाला रीजन है, कोर जोन, विच इज केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन प्रेशर्स. उसके बाद मिडिल रीजन आता है, विच इज द बफर जोन. बफर जोन को कोर जोन का बफर माना जाता है. इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज, लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ की जाती हैं सो दैट द कोर जोन इज अनडिस्टर्ब्ड. अब लिमिटेड एक्टिविटीज सच एज रेस्टोरेशन, डेमोसाइट्स, लिमिटेड रिक्रिएशन, लिमिटेड टूरिज्म, लिमिटेड फिशिंग, लिमिटेड ग्रेजिंग. लिमिटेड इसलिए बोला जा रहा है कि उसी लेवल तक, उतने ही लेवल तक इसको करने दिया जाता है, सच दैट इट मिनिमाइजेस द इफेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज ऑन द कोर जोन. अब इस रीजन में रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है. टू समराइज, इस रीजन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज प्रमोट की जाती हैं ओनली टू कीप द कोर जोन सेफ. उसके बाद सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है, विच इज द ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज अलाउड हैं, सच एज कंजर्वेशन एक्टिविटीज, सेटलमेंट्स को अलाउ किया जाता है, क्रॉप लैंड्स अलाउ किया जाता है, फार्मिंग अलाउ की जाती है, मैनेज्ड फॉरेस्ट यहाँ पे अलाउ किए जाते हैं. इट इज़ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग द बफर जोन विच इज़ प्रोटेक्टिंग द कोर जोन. अब ये बायोस्फीयर रिजर्व्स कुछ अलग से आइसोलेटेड नहीं होते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व एक रीजन है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं, इसके अंदर नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं. दे आर नॉट देयर टू रिप्लेस द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. They are just there to widen the scope of these national parks and wildlife centuries so that अगर वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा critically endangered species हैं, बहुत सारी species हैं जो कि endangered हैं, तो उनकी extra preservation, extra conservation की जा सके. इसलिए उनको biosphere reserves declare किया जा सकता है. किया जा सकता है का मतलब ये है, it is not mandatory that a national park or a wildlife century has to be a biosphere reserve. कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगे ही होंगे, एक या काफ़ी ज़्यादा होंगे, ज़रूरी नहीं है. क्योंकि हम अभी बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर रहे थे, सो लेट अस स्टार्ट विद द मैपिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स ओनली. लेट अस बिगिन विद हिमाचल प्रदेश. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोल्ड डेजर्ट. अब इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम कोल्ड डेजर्ट है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि कोल्ड डेजर्ट देखने के बाद दे अज्यूम कि जो लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में जो रीजन है उसकी बात हो रही होगी. बट कोल्ड डेजर्ट इज इन हिमाचल प्रदेश. कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज इन हिमाचल प्रदेश. अब एक चीज का ध्यान रखना, जो येलो में है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व. Whereas the one that I mark in white are part of the MAB World Network of Biosphere Reserves. तो बेसिकली ओवरऑल 18 बायोस्फेयर रिजर्व्स हम मैप करेंगे इंडिया में, लेकिन उनमें से 10 ऐसी बायोस्फेयर रिजर्व्स हैं, 10 बायोस्फेयर रिजर्व्स विच आर पार्ट ऑफ MAB. और कोल्ड डेजर्ट बायोस्फेयर रिजर्व में आपको मिलेगा पिन वैली नेशनल पार्क एंड दिस इज इन द वेस्टर्न हिमालयाज, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद बारी आती है उत्तराखंड में नंदा देवी. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज पार्ट ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट. ये उत्तराखंड में है, वेस्टर्न हिमालयाज में, और यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बेयर देखने को मिलेंगे. उसके बाद सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा. दिस इज इन द ईस्टर्न हिमालयाज, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्नो लेपर्ड एंड रेड पैंडा. फाइन, नेक्स्ट इन असम यू विल फाइंड मनास ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ असम. अब असम में मनास इज पार्ट ऑफ कोकराझार, बोगाईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप एंड दरांग डिस्ट्रिक्ट्स. ये भी ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है, और यहाँ पे आपको गोल्डन लंगूर और रेड पैंडा देखने को मिलेंगे. फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा दिहांग एंड दिबांग. ये ब्रह्मपुत्रा की दो ट्रिब्यूटरीज के नाम पर रखा गया है.
एंड इट इज पार्ट ऑफ द सियांग एंड दिबांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश। ये भी ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है और यहाँ पर आपको मिशमी ताकिन और मस्क डियर देखने को मिलेंगे। उसके बाद आसाम में ही आपको देखने को मिलेगा डिब्रू साइखोवा। नाउ डिब्रू साइखोवा इज पार्ट ऑफ द डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। ये भी ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है और यहाँ पर आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलेंगे। राइट, जो उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको एक और पता होना चाहिए, वो है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन मेघालय। नाउ नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन वेस्ट गारो हिल्स इन मेघालय और यहाँ पर रेड पैंडा काफ़ी फेमस हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज कंसर्न। उसके बाद गंगा का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, उस पार्ट को हम बोलते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम इंडिया वाले पार्ट की बात करेंगे विच इज इन वेस्ट बंगाल। दिस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबंस के बाद आता है सिमलीपाल विच इज इन उड़ीसा। नाउ सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व इज पार्ट ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा और ये डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट है और यहाँ पर जो फेमस एनिमल्स हैं वो है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट एट्सेट्रा। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आपको मिलेगा अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज पार्ट ऑफ द अनूपपुर, डिंडोरी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में आता है एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द माइकाला हिल्स। कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पे जो आपको मिलेंगे फौना, वो है फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, इंडियन वाइल्ड डॉग, सेरस क्रेन, व्हाइट आर्म्ड वल्चर एट्सेट्रा। उसके बाद आंध्र प्रदेश में आपको पता होना चाहिए सेचलम बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ द सेशाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज पार्ट ऑफ द सेशाचलम हिल्स कवरिंग पार्ट्स ऑफ चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है और यहाँ पर आपको स्लेंडर लॉरेस देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। राइट, सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के सदर्न पोर्शन में आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट रिजर्व। इस रीजन के सबसे इंपॉर्टेंट फौना इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। देन वी कम टू दिस रीजन द सदर्न टिप ऑफ इंडिया विच इज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पे सबसे की फौना है डुगोंग। नाउ डुगोंग इज ऑल्सो नोन एज सी काउ। उसके बाद केरला में है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ द अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ द नेयार, पेपरा एंड चंद्रूनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये थोड़ा केरला में, थोड़ा तमिलनाडु में है एंड इट इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। और यहाँ पे आपको की फौना जो देखने को मिलेगी, इट इज द नीलगिरी तार एंड एलिफेंट्स। नाउ वी कम टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया विच इज द नीलगिरी। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आते हैं सच एज वायनाड, नागरहोल, बंदीपुर, मुद्दुमलाई, निलंबूर एंड साइलेंट वैली। ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों में आता है। इट इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स और जो की फौना यहाँ पे देखने को मिलेगी, इट इज द नीलगिरी तार एंड द लायन टेल्ड मकैक। नाउ यू हैव टू नोटिस द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। इट इज पार्ट ऑफ द बैतूल डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। और यहाँ पे की फौना आपको देखने को मिलेगी जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया विच इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे की फौना आपको देखने को मिलेगा इंडियन वाइल्ड एस। राइट, नाउ दैट यू नो द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, लेट अस लुक एट द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व विच इज द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मध्य प्रदेश एंड इट इज पार्ट ऑफ द कैचमेंट एरिया ऑफ केन रिवर। यहाँ पे की फौना आपको मिलेंगी टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर एंड स्लॉथ बियर। ये लेटेस्ट इसलिए है बिकॉज इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 2011। राइट, सो दिस वॉज द मैपिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। आई होप दैट यू नोटिस द 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स विच आर पार्ट ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इफ यू हैवंट, जस्ट लुक एट द वाइट वंस। Right, so now let us look at the wildlife sanctuaries and national parks of India. We'll try and map the most important ones. Although there are so many national parks and wildlife sanctuaries, sabko map nahi kar sakte hain, isliye hum important walo ko check karenge. So the ones in white will be the wildlife sanctuaries and the ones in yellow will be national parks. Let us start with J&K first. Jammu and Kashmir mein 3 national parks aapko pata hone chahiye,
These are Dachigam, Salim Ali and Kishtwar National Parks. अब डचिगम नेशनल पार्क की एक खासियत है, इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेर वी फाइंड द कश्मीर स्टैग और हंगुल। उसके बाद हमें देखना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की खासियत यह है दैट इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इंडिया में एज ऑफ 2018 देर आर 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, काफी सारे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सच एज द ग्रेट हिमालयन, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, मनास, सुंदरबंस, केलोदियो, घाना नेशनल पार्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट में उत्तराखंड वी हैव टू लुक एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है एंड इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद आपको नोटिस करना है उत्तराखंड में द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। It was established in 1936 as the Haley National Park. Now it is known as Jim Corbett National Park. Uttarakhand में ही एक और National Park है, Rajaji National Park, which is mainly known for elephants, tigers, leopards and several species of birds, reptiles and mammals. Arunachal Pradesh में यहाँ आपको notice करना है Namdafa National Park. Fine, now notice the Kaziranga National Park in Assam. Now it is a UNESCO World Heritage Site and most of you must be knowing that it is very famous for the Indian rhinoceros, the one-horned rhino, and it has the highest known tiger density in the world. Then we move on to Manipur. Yahan pe aapko milega Kebul Lamjao National Park. Now Kebul Lamjao is the only floating park in the world. Ye aapko zarur yaad rakhna hai. Right, so next we move on to the Kanha National Park in Madhya Pradesh. And then in South Chhattisgarh, this is the Indravati National Park. Indravati National Park is famous for wild Asian buffalo, tiger reserve and hill mynas. Uske baad southern region mein dekhte hain, sabse pehle hum dekhenge Banerghatta on this tip of Karnataka. Now this national park is famous for the tiger, sloth bear, peacock, elephant, sambar deer and mouse deer. Uske baad Karnataka mein hi aata hai Bandipur National Park. Now the important fauna of Bandipur National Park are cheetal, Bengal tiger, grey langoose, Indian giant squirrel, gaur, leopard, sambar deer, Indian elephants, honey buzzard and the red-headed vulture. Now you must notice the Periyar National Park in Kerala. Aur Kerala mein hi hame notice karna hai the Silent Valley National Park. Now this is known as Silent Valley because of the absence of the noisy cicadas. These are insects that are generally found in such regions. Lekin Silent Valley mein ye nahi milte. Uske baad Karnataka mein aapko notice karna hai Nagarhole National Park. And then the Sanjay Gandhi National Park in Maharashtra. Now this national park is famous for the Asiatic lion, Indian leopard, rhesus macaque, spotted deer, Indian flying fox, barking deer and mouse deer etc. फिर उसके बाद गुजरात में हमें देखना है, ये सब जानते ही होंगे, this is the Gir National Park. Now the Gir National Park is famous for the Asiatic lion. Right, so अब राजस्थान को देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रणथंबोर, और रणथंबोर के पास में ही है सिरिस्का National Park. And this is the Kelodiyo Ghana National Park. Very important. It is a UNESCO World Heritage Site. ये एक bird sanctuary थी, लेकिन अब इसको national park बना दिया गया है. Right, अब कुछ wildlife sanctuaries देख लेते हैं. एक आपको notice करनी है Bitarkanika Wildlife Sanctuary in this region, in Odisha. Now this Bitarkanika Wildlife Sanctuary is a mangrove on the delta of the Brahmani and the Baitarani River. It is famous for the olive ridley turtles. उसके बाद ये है चिलिका लेक, इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेसिकली अ बर्ड सेंचुरी. उसके बाद आपको यहां पे नोटिस करनी है कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, दिस इज द पुलिकेट लेक, दिस इज द इडुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, एंड दिस इज द मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला. लास्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमको देखनी है राजस्थान में, इट इज द सांबर लेक, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक. राइट, सो ये हमने इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स कवर कर लिए हैं. यू मस्ट मैप देम इन योर एटलस. हमने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप कर लिए हैं, ऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसमें हमने
10 बायोस्फेयर रिजर्व्स देखे थे विच आर पार्ट ऑफ दी एमएबी यूनेस्को एमएबी, और 8 बायोस्फेयर रिजर्व जो पार्ट नहीं है उनको भी हमने मैप किया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमने देखी हैं, देयर आर 36 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आपको सारी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट एक रीडिंग तो देनी चाहिए, और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बायोस्फेयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का पार्ट है। राइट, सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फेयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। Meanwhile, you can download our Android app from Google Play Store and share it with others so that more and more people can get access to this content. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Coursify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Coursify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.